आज हम बात करेंगे बहुत ही अत्यंत शुभ जो पौधा है घर के लिए, जैसे सब लोग लगाते हैं, जिसकी पूजा भी की जाती है, तो वो पौधा है अपराजिता का। तो देखिए इसका सुंदर सा ये फूल है। ये अपराजिता जो होती है ये बहुत सारे रंग में आती है। ये नीली अपराजिता है। तो देखिए अब इस पे कितने प्यारे ब्लू कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं अपराजिता के प्लांट के ऊपर। और आप देख सकते हैं इसकी जो लीव्स होती हैं वो ऐसी होती हैं ग्रीन कलर की, ऐसे लाइट ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। और उसमें इस तरह से देखिए ये लीव्स भी निकलती हैं। और अब ये जो देख रहे हैं ये इसकी बड़ है, जो कि बड़ी होके यही फ्लावर बनेगा इसका। और फ्रेंड्स जो आप देख सकते हैं जो मेरा अपराजिता का प्लांट है ये बहुत ही बड़ा, देख कितना ज़्यादा बुशी अब ये प्लांट हो चुका है। और ये ग्राउंड में लगा हुआ अपराजिता का प्लांट है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मोटा इसका ट्रंक हो चुका है अब इस प्लांट का। और फ्रेंड्स ये जो अपराजिता का प्लांट है ये बीज से लगाया हुआ है मैंने, तो बीज जो है वो मैं ऐसे जो ये फली है ऐसे एक फली एक ऐसे लाया था जो एक प्लांट लगा हुआ था कहीं, वहाँ से उसके सीड ग्रो करे थे। तो ये सिक्स मंथ के बाद अब इसने इतनी ज़्यादा ग्रोथ करी है इस प्लांट ने और बहुत ही अच्छे इस पे फ्लावर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए अब इसकी डोरमेंसी का टाइम आ रहा है, तो लेकिन ये जो टाइम है इस टाइम पे भी ये अच्छी तरह से देखिए इस टाइम पे मेरी प्लांट जो है ये ग्रोथ कर रहा है। तो आज हम इसके केयर के बारे में ही बात करेंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, फ्लावर्स जो हैं वे अभी पूरी तरह से खिले नहीं हैं, इसलिए आपको ऐसे बंद से दिख रहे होंगे फ्लावर्स भी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए फ्लावर्स पूरी तरह से अभी खिले नहीं हैं जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसकी जो ग्रोथ है वो चल रही है। तो ऐसा क्या करें और इसे किस डायरेक्शन में अपने घर पे लगाएं जो कि ये प्लांट्स का जो सुफल है वो आपको मिले। तो फ्रेंड्स देखिए इस जो ये जो प्लांट है, पहले इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इसको आप जो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वहाँ पे लगाएं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सभी के यहाँ सनलाइट भी अच्छी आती है और वो कॉर्नर बहुत अच्छा रहता है इस प्लांट के लिए, वहाँ पे इसे लगाएं। और जो इसके लिए जो आप अगर इसे ज़मीन में लगा रहे हैं तो आप कैसी भी सोयल में लगा सकते हैं। और गमला आपको कम से कम 15 इंच का गमला लेना है इसके लिए, क्योंकि ये बड़े पॉट में वाइन वाले जो प्लांट होते हैं उनमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं, वैसे पॉट में इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। कुछ टाइम के बाद आके जब इनका जो पॉट है रूट बाउंड हो जाता है और ग्रोथ रुक जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से इस प्लांट को 15 इंच के पॉट में लगा लेना है और उसका जो सोयल कंपोजिशन है वो वेल ड्रेन रखना है, यानी कि 50% जो है आपके जो सैंड आती है पीली वाली वो लेनी है, 30% आपको जो है कि वो नॉर्मल जो गार्डन सोयल आती है वो, और 20% आपको कंपोस्ट लेनी है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, ज़्यादा आपको इसमें कंपोस्ट की ज़रूरत भी नहीं होती है, बस आप इसे महीने में या फिर जब भी आप जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो फर्टिलाइज़र आपको इस प्लांट को दे देना है, जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दें। लेकिन इसके लिए मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा रहता है, एक मुट्ठी एक लीटर पानी भिगो के रखें और फिर उसे आप उसकी दुगना पानी उसमें मिला दें, यानी कि 2 लीटर 3 लीटर आपका बन जाएगा, तो उसको आप अपने प्लांट में दें। तो आप इसे नर्सरी से ले सकते हैं या फिर इसकी आप कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग फ्रेंड्स आपको हार्डवुड कटिंग ले लेनी है, देख सकते हैं ये वाली, जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी मोटी जो ये कटिंग है, इतनी बढ़िया कटिंग ले लें कम से कम एक हाथ के बराबर, 5 से 6 इंच की इतनी मोटी कटिंग लें और उसे 45 डिग्री के एंगल पे कट करके लगा दें, तो वो उससे भी प्लांट ग्रो हो जाता है। नर्सरी से भी आप बाई कर सकते हैं और बाद में पॉट को लगाने के बाद फुल सनलाइट इसके लिए अच्छी होती है, आप जितनी सनलाइट इसे दे सके उतनी सनलाइट इसको दे, उतनी अच्छी एक ग्रोथ करता है। अब विंटर्स के टाइम इसमें डोरमेंसी का टाइम होता है, कोई कोई प्लांट में जो है वो सारा पतझड़ हो जाता है, सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो लाइव रहता है। ऐसा ही देखिए मेरे इस प्लांट के साथ हुआ है, तो इसका सारे पतझड़ हो गया है इस प्लांट का, लेकिन उस प्लांट का नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो अगर हम इसके स्क्रैच करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये ग्रीन है, तो मतलब कि लाइव प्लांट है, लेकिन इसका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स इस प्लांट का डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है और इसकी आपको गुड़ाई करनी है, कम से कम 2 हफ्ते में एक बार इसकी गुड़ाई कर लेनी है आपको मिट्टी की, और उसमें फंजीसाइड पाउडर भी डाल लेना है।
मिट्टी में। और इसके जो आपको अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है सीड्स आप इसके ना बनने दें तो ही आपका प्लांट ज़्यादा अच्छा ग्रो होगा। अगर आप सीड बनाएंगे तो आपके प्लांट की एनर्जी सीड में लगेगी और आपका प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये जो सीड्स बनते हैं इनको इस तरह से आप तोड़ लें, इन्हें ना बनने दें। और जो स्पेंट फ्लावर होते रहे उनको भी इस तरह से आप यहाँ से तोड़ते रहें, स्पेंट फ्लावर्स को भी, उनको भी ना बनने दें। और फ्रेंड्स भी अच्छी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को बुशी बनाने के लिए उसकी पिंचिंग भी करते रहें जिससे कि और बुशी बने ही है। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की अपराजिता की केयर। हमारे चैनल हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी।